कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रिय कृष्ण द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे जगद्गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित दूत विनिंदक पीताम्बरधारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण केसरी मुख से निश्चित अमृतमयी वाणी श्रीमद्भागवद गीता के चतुर्थ अध्याय में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। परम मंगलमय भगवान किस वाणी का पान करने के लिए समवेत रूप से समुपस्थित समस्त भक्तजन भक्तिमती माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर भगवान तृतीय अध्याय में कर्मयोग का उपदेश किया और फिर उसकी पुष्टि चौथे अध्याय में कर रहे हैं। पहले श्लोक में हम देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिच्छाक्यवेब्रवीत। भगवान ने कहा हे अर्जुन, यह योग अर्थात ज्ञान जो आत्मकल्याण का मार्ग है, यह मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। विवस्वान् मनवे प्राह, और सूर्य ने आदि पुरुष मनु से कहा, और मनु ने इसी ज्ञान को इच्छाकु से कहा। अब भगवान कहने का आशय स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, यह योग आज मैं जो तुझे बता रहा हूँ ये आज का नहीं है, अर्थात ज्ञान तो सदैव था परंतु मैंने पहले ही कहा था सूर्य से, और सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्योति के प्रतीक हैं, अर्थात ज्ञान से मनुष्य को प्रकाश प्राप्त होता है, उसका अज्ञानांधकार मिटता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, द्वितीय श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालीनेह महता योगो नष्टः परन्तप। भगवान कहते हैं अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः, अर्थात यह ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ यह परंपरा से चलता चला आ रहा है। परंपरा का मतलब यह हुआ एक दूसरे के द्वारा दूसरे को ज्ञान प्राप्त होना, सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, और पुनः राजर्षियों को प्राप्त हुआ।
अब ये राजर्षि कौन होते हैं? राजर्षि शब्द पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। राजर्षि माने जो राजा भी हों और ऋषि भी हों, जो प्रजा पर शासन तो करते हों पर मंत्रों के दृष्टा हों। राजर्षि का मतलब शासन भी करते हों पर प्रजा का हित जिसमें हो उसका ज्ञान भी हो। राजर्षि का मतलब ये भी होता है कि जो धर्म की भी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, समाज के कल्याण के लिए राज्य करें, अर्थात उनका राज्य भी हो तो जनहित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, ऐसे लोगों को भगवान ने राजर्षि कहा। परंतु भगवान यहाँ थोड़ा खेद प्रकट करते हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान को भी थोड़ा विषाद आ गया हो और कह रहे हैं, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अर्जुन, समय बीतने के बाद यह योग नष्ट प्राय हो गया, लुप्त प्राय हो गया। अब सएवायम मया तेद्य, सएवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोस्मे सका चेति रहस्यम योद द्युत्तमम। भगवान कहते हैं वही योग वही ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ और पहले भी कहा था। पुरातन, वही पुरातन, पुरातन का मतलब जो शुरू से ही था और आज भी है, अर्थात ज्ञान कभी लाना नहीं पड़ता, वह तो सदैव विद्यमान होता है। और अर्जुन मैं तुझे विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूँ, पहली बात तो तुम मेरे भक्त हो, भक्त से ज्ञान इसलिए कहना चाहिए कि जो भक्त होता है उसके अंदर इष्ट के प्रति अनुराग होता है, श्रद्धा होती है, वह उसको सुनता है और मानता है। दूसरा कारण बताया कि तुम मेरे सखा हो इसलिए तुमसे कह रहा हूं। सखा कौन? सखा वह, जैसे भगवान ने यहां पर कहा कि यह योग नष्ट हो गया, तो इससे भगवान का थोड़ा विषाद झलकता है और अर्जुन से मानो भगवान कह रहे हो कि अर्जुन तुम जैसा वीर धीर और ऋज बुद्धि के अधिकारी होते हुए व्यक्ति से उम्मीद न करूं तो किससे करूं? तुम मेरे सखा हो, इस योग को संसार में पुनर्स्थापना के लिए तुमसे उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? और इसी बात पर भगवान अपनी बात को पूर्ण करते हैं। अर्जुन के मन में शंका होती है, आगे प्रश्न करता है, फिर भगवान अगले सत्र में उत्तर देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।